नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव और स्वागत है आपका प्राइम टीवी न्यूज में। उत्तर प्रदेश समेत कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, तो उत्तराखंड में कुल 70 सीटों पर यह विधानसभा चुनाव होना है, जहां सभी पार्टियां अपनी रणनीति के साथ उत्तराखंड की विधानसभा में भी तैयार है। तो आइए आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की चुनावी समीकरण। कांग्रेस ने जीती 32 सीट 2012 विधानसभा में, तो 2012 विधानसभा में भाजपाइयों के खाते में 31 सीट आई। तो 2012 विधानसभा चुनाव में बसपा को 3 सीटें मिली। 2012 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल पी ने मात्र 1 सीट हासिल। तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीट पर कब्जा जमाया। 2012 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 2012 विधानसभा चुनाव में बसपा यूकेडीपी निर्दलीय का समर्थन मिला था 2012 विधानसभा चुनाव में। 2012 विधानसभा चुनाव परिणाम विजय बहुगुणा बनाए गए थे मुख्यमंत्री। 2012 विधानसभा चुनाव परिणाम में जबकि हरीश रावत ने केंद्र में मंत्री के रूप में कार्य करते रहे। 2012 विधानसभा चुनाव परिणाम में विजय बहुगुणा 13 मार्च 2012 से 31 मार्च 2014 तक थे। तो हरीश रावत 1 फरवरी से 2014 से 27 मार्च 2016 तक। हरीश रावत 21 अप्रैल से 2016 से 22 अप्रैल 2016 तक। 2012 विधानसभा चुनाव का परिणाम हरीश रावत 11 मई से 2016 से 18 मार्च 2017 तक। भाजपा को मिली प्रचंड जीत 2017 विधानसभा। तो वही 2017 विधानसभा में 70 सीटों में से 57 सीटें जीती थी। 2017 विधानसभा चुनावी परिणाम में कांग्रेस को मात्र 11 सीटें मिली थी, अन्य के खाते में 2 सीटें आई थी 2017 विधानसभा में। आम आदमी पार्टी कर्नल अजय कोटियाल है मुख्यमंत्री पद का चेहरा। 2022 विधानसभा चुनाव का समीकरण 17 अगस्त को आपने किया था ऐलान। कोटियाल 26 साल तक सेना में दे चुके हैं अपनी सेवाएं। भाजपा पुष्कर सिंह धामी होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा 2022 विधानसभा चुनाव में। चुनाव से ठीक पहले ही धामी बनाए गए मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने अभी तक नहीं घोषित किया है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार 2022 विधानसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस हरीश रावत है मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार। कांग्रेस ने 2022 तो ये रहे उत्तराखंड के विधानसभा की चुनावी समीकरण। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।